जब शेषनाग ने खुद ट्रेन रोक बचाया बहुत बड़े एक्सीडेंट को होने से, इस घटना ने पूरे तरीके से हर किसी को हिला के रख दिया। दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश के तरलाम शहर में रहने वाले रवि किशन के साथ घटित हुई। रवि किशन जी बताते हैं कि मेरे साथ घटित हुई ये घटना जब भी मैं किसी को बताता हूँ, किसी के साथ शेयर करता हूँ, तो सभी लोग मुझे पागल समझते हैं या कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। पर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सच्ची घटना पूरे विश्व जगत को सुनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ उस दिन रवि किशन जी के साथ, जो वो आप लोगों को बताने के लिए बहुत उत्सुक हैं। रवि किशन जी बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार शिव भक्त है। हमें जब भी अपने कामों से मौका मिलता है तो हम साल में एक या दो बार जरूर अलग अलग शिव धाम जाया करते हैं। ऐसे ही हमारी एक योजना तब बनी जब मेरे साथ मेरे पूरे परिवार ने ओमकारेश्वर धाम जाने का फैसला किया। उसके बाद रवि किशन जी अपने पूरे परिवार के साथ अपने ही कार में ओमकारेश्वर यात्रा के लिए निकल पड़े। परंतु उन्हें बिल्कुल भी यह अंदेशा नहीं था कि उनकी यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी यादगार यात्रा रहने वाली है। रवि किशन जी बताते हैं कि उनकी कुछ बुरी आदत है, जैसे कि वे कभी कभी तेज गाड़ी भगा देते हैं या फिर कभी कभी ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं। परंतु मुझे ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस यात्रा में मेरी ये गलती मुझ पर बहुत भारी पड़ने वाली है। रवि किशन अपने परिवार के साथ ओमकारेश्वर की उन्होंने आधी यात्रा लगभग पूरी कर ली थी, तभी उनके रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आई। वहाँ पर रेड सिग्नल तो हो चुका था कि रेल आने वाली है, परंतु अभी रेलवे का फाटक बंद नहीं किया गया था। तो रवि किशन को लगा कि मैं तुरंत ही इसे पार कर लूँगा और इससे हमारा समय भी बच जाएगा। रवि किशन की पत्नी ने उन्हें समझाया कि अगर हम कुछ देर कानूनी नियम का पालन कर रुक जाए तो कोई हर्ज नहीं है। परंतु रवि किशन बोले कि तुम चिंता क्यों करती हो, ऐसे तो मैंने कई बार किया है, तुम देखो मैं अभी रेलवे लाइन क्रॉस करके दिखाता हूँ। और उन्होंने इतना कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वे रेलवे ट्रैक को पार करने ही वाले थे कि तभी दोनों तरफ से रेलवे फाटक अचानक बंद हो जाते हैं और उन्हें इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रेलवे ट्रैक के बीच में ही रोकनी पड़ जाती है। वहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं था, सभी कुछ कंप्यूटर के टाइम और सेंसर के माध्यम से ही हो रहा था। ये देख रवि किशन के साथ गाड़ी में बैठा उनका पूरा परिवार घबरा गया कि अब हम तो ना इधर के रहे ना उधर के। और तभी उन्हें दूसरी तरफ से अचानक ट्रेन की तेज रफ्तार और हॉर्न की आवाज़ आती सुनाई देने लगी। अब तो उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज गति से चलने लगी थी। भले ही उस समय ट्रेन बहुत दूर लग रही थी, परंतु कहते हैं ना, ट्रेन की गति का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पल भर में यहाँ तो पल भर में वहाँ। क्योंकि रवि किशन जी को अपनी कार से बहुत ज़्यादा लगाव था, ऐसे में वे कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी कार को पटरी से थोड़ा साइड में कर दे क्योंकि वो ट्रेन से ज़्यादा क्षतिग्रस्त ना हो सके। परंतु बहुत प्रयास करने के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में जब उन्हें लगा कि अब ट्रेन उनके बिल्कुल करीब ही आने वाली है, तो उन्होंने अपने परिवार को कार से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पहुंचाने का प्रयास किया। परंतु कार बचाने की उनकी पागलपंती में समय बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुका था। अब ट्रेन भी बस चंद सेकंड उनसे दूर थी और जल्दबाजी में क्या करें उन्हें कुछ समझा ही नहीं और रवि किशन अपने परिवार के साथ कार में ही फंसे रह गए। तब ऐसे समय में रवि किशन और उनके परिवार वालों ने महादेव को याद किया। रवि किशन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उनकी वजह से उनके परिवार वाले भी अब बहुत बड़े खतरे में थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि ये सब उनके अहम का नतीजा था। उन्होंने उस समय महादेव से प्रार्थना करी कि मैं तो आपके धाम आ रहा था, बीच में भले ही रास्ते में बाधा आई, परंतु हमें सही सलामत ओमकारेश्वर पहुंचाना आपका ही दायित्व है। ऐसे में दोस्तों महादेव को उनकी बात तो सुननी ही थी, परंतु ट्रेन के नज़दीक आते ही स्थिति बहुत खराब हो चली थी क्योंकि डर से पूरा परिवार चिल्ला रहा था। तभी रवि किशन जी बताते हैं कि उसी समय एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में अगर किसी को बताता भी हूँ तो कोई यकीन नहीं मानता। तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं उस समय क्या हुआ था? दोस्तों रवि किशन ने बताया कि उस स्थिति में अचानक समय मानो रुक सा गया हो। जो मेरे परिवार वाले चिल्ला रहे थे वो सब शांत हो चुके थे और ट्रेन मानो अपनी जगह पर ही
थम सी गई हो। मुझे ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया जैसे मानो थोड़ी देर के लिए रुक सी गई हो। तभी एक बहुत बड़ी चीज जिसने अचानक से मेरी कार को धक्का लगाया, परंतु मैं उसे देख नहीं पा रहा था, परंतु मैं उसकी परछाई जमीन पर देख सकता था। वह ऐसा लग रहा था मानो जैसे शेषनाग हो। उन्होंने मेरी कार को साइड में कर दिया और तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और ट्रेन अब उस पटरी से दूर जा चुकी थी और फाटक भी खुल चुके थे। मैंने तुरंत उस पटरी से कार को बाहर रोड पर ले आया, परंतु तभी मेरी फैमिली वाले मुझसे पूछने लगे कि आखिर हम बचे कैसे, आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उस विशेष पल का उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो तो उस बात को किसी तरह उस समय मान गए, परंतु ये बात जब मैं अन्य लोगों से साझा करने की कोशिश करता हूँ तो सब मुझे पागल कहने लगते हैं। सब लोग यही कह रहे थे कि शायद फाटक अचानक खुल गया होगा और आपने कार साइड में कर ली होगी और आपको वो सब भ्रम हुआ होगा। परंतु उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी घटित हुआ मैं उसकी सच्चाई जानता हूँ, और कैसे मेरे महादेव ने मेरे प्राणों की रक्षा करी थी वो सब मेरे आंखों के सामने घटित हुआ था और मुझे अच्छी तरह से सब कुछ याद था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो मेरा भ्रम था या फिर उस दिन जो चमत्कार हुआ था वह महादेव की कृपा थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।